कि असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जमीनी हालात का जायजा लेने के लिए आज कोखराझार का दौरा किया। सोनोवाल ने कल गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में घायलों से मुलाकात की थी। इस बीच एनआईए की 4 सदस्यीय जांच टीम ने कोखराझार का दौरा किया। कोखराझार में शुक्रवार को NDFBS के आतंकियों द्वारा की गई फायरिंग में 14 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 20 लोग घायल हो गए हैं। आतंकियों ने स्थानीय बाजार में पहले एक ग्रेनेड फेंका और फिर अंधाधुंध गोलीबारी की। हालांकि बाद में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को मार गिराने में सफलता पाई। Our government is committed to protect the life and property of the people of Assam. In this regard, we'll not compromise with anybody, because there will be zero tolerance in terrorism, particularly, and this government is committed to ensure the security of the people of Assam, and whoever is involved in this incident, nobody will be spared. Whatever information and whatever like an evidence we have collected so far, and it is like a distinct proof that NDFB is behind this killing. But as you know, we are still conducting our search operation, and whoever is like involved behind this scene, everybody will be brought to the book. और इस खबर पर और जानकारी के लिए बात करते हैं अपने संवाददाता से, सेनाशीष सूर इस वक्त हमारे साथ है। सेनाशीष, जिस तरह से आपने भी सुना, मुख्यमंत्री ने साफ कहा NDFB के कार्यकर आतंकवादियों का इसमें हाथ है और उनकी धरपकड़ के लिए लगातार कोशिशें की जा रही है, सुरक्षा व्यवस्था को भी और चाक चौबंद किया गया है, किस तरह के इंतजाम वहां पर देखे जा रहे हैं और आतंकवादियों की धरपकड़ में किस तरह की सफलता अब तक मिल पाई है? हाँ, जैसे मुख्यमंत्री ने यहाँ अभी थोड़ी देर पहले यही हम लोगों को जो हम बताया है कि ये NDFB का हाथ है, NDFB का एस फैक्शन, जो सर्वजीत फैक्शन बोला जाता है, यानी कि संघविजीत फैक्शन ने विवृति देकर बताया कि इनसे उनका कोई योगदान नहीं है, लेकिन जो आतंकवादी मारे गए हैं उनका DNA टेस्ट होगा। DGP ने अभी अभी इधर बताया है कि उनका DNA टेस्ट होगा, क्योंकि उनको पिता और माता उनको बॉडी आइडेंटिफाई करने से इनकार कर दिया, लेकिन उस फैमिली से उनका एक बेटा 15 साल से निखोज है और उनको पता भी है कि वो NDFB में है। लेकिन NDFB का यह कहा जाता है कि भूटान में भी कुछ रह सकते हैं, तो यहाँ इस समय स्थिति में अभी ये कोकराझार सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री, जो राज्य पुलिस के महानिदेशक, राज्य पुलिस के पदस्थ अधिकारी और आर्मी, CRPF, पैरामिलिट्री और सारे जो सिक्योरिटी एजेंसीज यहाँ काम करते हैं, इससे काफी नजदीक में आर्मी कैंप है, CRPF का एरिया डोमिनेशन है, असम पुलिस का कई बटालियन है, अभी 7 बटालियन अतिरिक्त यहाँ आज सुबह भेजा गया है। तो अभी ये मीटिंग उच्च पर्याय मीटिंग में ये पर्यालोचना होगा कि कैसे किस तरीके से इसको टैकल किया जाए कि भविष्य में या 15 अगस्त के पहले या कभी भी ये हादसा सामने नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये राज्य सरकार आने के बाद ये पहला बार ये हादसा हुआ है। बोड़ो जो मिलिटेंट्स थे, कुछ एक फैक्शन है जो राज्य सरकार के साथ बातचीत करके सपोर्ट में पीस प्रोसेस में है, और एक दूसरा जो है ये नहीं है। और इस बार अरविंद राजकुआ अल्फा लीडर भी यहाँ है और पूर्व मुख्यमंत्री प्रफुल्ल मोहंतो भी इधर आज आए थे। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सेनाशीष, लगातार अपडेट के लिए आपसे बातचीत करते रहेंगे। तो मुख्यमंत्री ने जमीनी हालात का जायजा लिया कोकराझार में और पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने साफ कहा कि 7 आतंकी हमले के पीछे NDFB के आतंकवादियों का हाथ है, उनकी धरपकड़ के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं।